दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को 73 दिन हो चुके हैं और आज किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान चक्का जाम के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं हो रहा है। सबसे पहले आइए इससे जुड़े हुए 10 अपडेट आपको दे देते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। एंट्री और एग्जिट गेट दोनों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में मंडी हाउस, ITO मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। दिल्ली गेट और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। लाल किला, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद हैं। बंद मेट्रो पर स्टेशन बदलने की सुविधा हालांकि जारी है। टीकरी बॉर्डर पर 21 लेयर की सुरक्षा की गई है। दिल्ली NCR में कुल मिलाकर 50,000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली की सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो किसानों के चक्का जाम से पहले सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। टीकरी बॉर्डर पर, जैसा कि हमने आपको बताया, 21 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है, ये घेरा बना दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 लेयर की सुरक्षा है और सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली NCR में 50,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो तीनों जो बॉर्डर्स हैं, जहां पर हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन किसानों का जारी है, वहां पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। और 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद अब सुरक्षा बल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं टीकरी बॉर्डर की। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं और इसमें आप देखिए कि ये कितने लेयर की सिक्योरिटी यहां पर बनाई गई है। बॉर्डर पर चक्का जाम को देखते हुए 21 लेयर, जी हां, 21 लेयर की सुरक्षा की गई है। कटीले तार लगे हुए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। आसपास उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बुलडोजर लगाए गए हैं। रोड रोलर्स भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। लाल किले की हिंसा के बाद से पुलिस और भी ज्यादा मुस्तैद है, और भी ज्यादा अलर्ट है। तो सुरक्षा का आप कह सकते हैं कि ये एक चक्रव्यूह रचा गया है। ये 21 लेयर की सुरक्षा हम आपको दिखा रहे हैं और 21 लेयर में कटीले तारों से लेकर नुकीली जो कील हैं वो यहां पर लगाई गई हैं, फेंसिंग की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, उस पर तारें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं ताकि दिल्ली में किसी भी कीमत पर इन प्रदर्शनकारियों को न घुसने दिया जाए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चक्का जाम जो है वो दिल्ली में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर मैंने आपको बताया 21 लेयर का सुरक्षा चक्र वहां पर बनाया गया है, पुलिस ने किसानों के टेंट के पास पहली और दूसरी लेयर में सामान्य बैरिकेड लगाए हैं। उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों की तीसरी लेयर है, चौथी लेयर में फिर से बैरिकेड्स हैं और उसके बाद पांचवी लेयर में नुकीले कीले लगाई गई, छठी लेयर में बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर कांटेदार तार लगाई गई, सातवीं लेयर में पुलिस ने रोड रोलर खड़े कर दिए, उसके ऊपर जाल भी लगा दिए हैं जिससे अगर कोई पथराव होता है तो जाल की वजह से बचाव हो जाए। आठवीं लेयर में फिर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, नौवीं लेयर में वज्र वाहन खड़े कर दिए गए हैं, उसके बाद दसवीं लेयर में फिर बड़े बड़े पत्थरों की एक दीवार बना दी गई है, उसके बाद बड़े बड़े कंटेनर की कई सारी लेयर बना दी है ताकि कोई भी किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो पाए। बाकी की 11 लेयर में पुलिसकर्मी तैनात हैं और कंटेनर खड़े किए गए हैं। तो चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। टीकरी बॉर्डर पर 21 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। आपको दिखाते हैं जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए अब दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर समेत दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए 21 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सामने जो टेंट लगे हैं यहाँ पर ही किसान बैठे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर का ये नज़ारा है,
26 तारीख को भी सबसे पहले यहीं से बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ किसान बढ़े थे और आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर लगाकर इस पहली जो लहर है उसे तैयार किया गया है। उसके बाद बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कीले और जो बड़े बड़े नुकीले जो लोहे की छड़े हैं वो लगाई गई है ताकि अगर ट्रैक्टर लेके कोई यहाँ तक भी पहुँचता है तो ट्रैक्टर पंक्चर हो जाए। उसके बाद ये कटीले तार और फिर ये एक इस तरीके की दीवार खड़ी की गई है और इसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र भी लगाए गए हैं, रोड रोलर है और इसके बाद लगातार पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और कई सारे डंपर ट्रैक्टर और इस तरीके से वाटर कैनन की गाड़ियाँ जो है वो तैनात की गई हैं। बड़े बड़े पत्थरों की जो है दीवारें खड़ी की गई हैं कि अगर किसान चाहेंगे भी तो अपने मजबूत ट्रैक्टर के ज़रिए वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आ सकते। इसके अलावा पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ पे किया हुआ है और साथ में बड़े बड़े लोहे के जो कंटेनर हैं उनको भी रास्ते में रख दिया है, जिसकी वजह से अगर कोई ये सारी जो बैरिकेड है उनको तोड़ के अंदर आ भी जाता है तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, डंपर है, तो इस तरीके की 21 लेयर की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पे लगाई है ताकि किसी भी सूरत हाल में किसान अपने ट्रैक्टर या दूसरे जो मजबूत वाहन हैं उनके ज़रिए अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आज चक्का जाम का ऐलान किया है, हालांकि यहाँ पर बाकी शांति है लेकिन फिर भी एहतियातन दिल्ली पुलिस ने ये सुरक्षा के इंतज़ाम 26 तारीख के बाद से ही कर दिए हैं ताकि अब भविष्य में किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती दिल्ली के अंदर कोई दाखिल ना हो पाए। इसके लिए बाकायदा 21 लेयर की सुरक्षा तो लगाई ही गई है और इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे तैनात कर दिया है। यहाँ पर सुरक्षा को देखने के बाद इस बात का तो भरोसा हो जाता है कि अब किसान चाहकर भी वो इस बॉर्डर के ज़रिए दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो टीकरी बॉर्डर पर आपने देखा ये 21 स्तर का जो चक्रव्यूह है ये बना दिया गया है, 21 लेयर की सिक्योरिटी और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने चक्का जाम किया है, टीकरी बॉर्डर पर भी किसान सड़क पर आए हैं, हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी चक्का जाम है। तो ये देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान आज किसान संगठनों ने किया है। 73 दिन हो चुके हैं उनके विरोध प्रदर्शन को और आज ये एक बार फिर से किसान संगठनों का शक्ति प्रदर्शन, देशव्यापी चक्का जाम। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम का ऐलान नहीं किया गया है। हमारे साथ तीनों बॉर्डर से इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं, गाजीपुर से वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। और सबसे पहले प्रमोद, आप ही का रुख करते हुए आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी किस तरह से 21 लेयर की ये सुरक्षा जो है, सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। इससे पहले कि हम प्रमोद के पास जाएं, अमित भारद्वाज वहां पर दिखाइए जरा सुरक्षा के कैसे प्रबंध किए गए हैं, कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात ताकि दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो सके किसी भी सूरत हाल में ये किसान। बिल्कुल, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पहली लेयर है और इसके साथ अगर हम बात करें तो यहां से चलते चलते 7 जो है मल्टी लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है और उसके बाद 8वीं जगह जो है पूरी एक दीवार है, उसको लांघना जो है बहुत मुश्किल है। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही तैयारी कर रखी है और एक चीज बिल्कुल साफ है, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो आकर मोटिवेट कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय घटना यहाँ कोई भी शख्स ना कर पाए। हर एक की चेकिंग की जा रही है, यहाँ पर अधिकारियों की गाड़ियां भी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, अधिकारी बार बार यहाँ से जा रहे हैं और हर एक को ब्रीफ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सामने भी पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर और हर जगह पर जाकर वो खुद चेक कर रहे हैं और ये पहली तस्वीर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर पूरी जो बैरिकेडिंग 7 लेयर्स मल्टी बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर क्या है उसमें डिफरेंस है, मतलब बहुत लंबा उसमें गैप दिया गया है कि अगर किसी तरह की कोई हरकत होती है तो उस गैप में ही उस शख्स को घेर लिया जाएगा जो किसी तरह का यहाँ उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा या दंगा फैलाने
की कोशिश करेगा, कोई इस तरह का इंस्टिगेट करने की कोशिश करेगा। मोबाइल का नेटवर्क भी काफी ज्यादा लो है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर अधिकारी लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, अधिकारी खुद जाकर जो है फोर्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप किस तरह से प्लानिंग है हमारी, उसी तरह से हम रहेंगे, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो उसके साथ निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एसकेएम ने जो कॉल किया था कल, उन्होंने कहा था कि 6 फरवरी को जो चक्का जाम है, इस संबंध में महत्वपूर्ण कुछ दिशा निर्देश जो है उनके दिए गए थे। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। एमरजेंसी जो और आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, स्कूल है, बस आदि, इनको रोका नहीं जाएगा। चक्का जाम जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, अहिंसक होगा। यही बात उन्होंने 26 को भी कही थी, लेकिन पूरी देश और दुनिया ने वो तस्वीरें देखी जो उस समय लाल किला से और अन्य जो है आईटीओ या अन्य इलाकों से सामने आई। तो दिल्ली की सीमा के अंदर चक्का जाम का प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। और सभी विरोध स्थल से पहले जो चक्का जाम जी, गाजीपुर से वैभव भी हमारे साथ हैं, जरा वहां भी दिखा दें किस तरह के फुल प्रूफ ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि हिंसा और उपद्रव की कोई गुंजाइश यहां पर ना बचे। वैभव, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल मेहमानसा, क्योंकि जो 73 दिन से आंदोलन चल रहा था और उसको लेकर जो 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद किसान अपनी एकजुटता और सरकार के सामने दिखाना चाहते थे कि हम अभी भी मजबूती से बने हुए हैं और कृषि कानूनों की रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर जो है आज चक्का जाम का आह्वान किया गया। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। सुबह भी हमने दिखाया, हम लगातार रिपोर्टिंग के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर फिलहाल चक्का जाम की स्थिति। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो यहाँ पर अभी फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस, CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स, इसके साथ ही साथ सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जो अलग अलग बल हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। 13 लेयर की कुल यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कुछ टैंकर्स भी रखे गए, जिसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो बल हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की टकराव की स्थिति 26 जनवरी जैसी नहीं बन सके। इसके साथ ही साथ, क्योंकि जो किसान नेता थे उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड में ये जो है चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके 13 लेयर की बैरिकेडिंग आपने बताई है कि वहां पर की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुरक्षा के इंतजाम है प्रमोद, वो 21 लेयर की सिक्योरिटी, हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई टीकरी बॉर्डर पर, कोई खास वजह है कि सबसे ज्यादा क्या इस बात का अंदेशा है कि वहां पर किसी तरह की टकराव की स्थिति बन सकती है, कि जो सबसे ज्यादा फोकस है वो टीकरी बॉर्डर पर है? बिल्कुल मीमांसा, टीकरी बॉर्डर ही वो एक इकलौता ऐसा बॉर्डर था जब 26 जनवरी को सबसे पहले सुबह 8:30 बजे यहाँ से बैरिकेड तोड़कर जो किसान है वो दिल्ली की तरफ गए थे। और बिल्कुल जो इतनी भीड़ आई थी, जहाँ संख्या थी वो इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस से भी संभाली नहीं गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वादा खिलाफी किसानों ने की थी, तो इस बार भी पुलिस बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है कि जो चक्का जाम की बात है वो शांतिपूर्वक होगा। ऐसे में किसान अगर आने की सोचते भी हैं तो वो ये पूरे जो बैरिकेटिंग की गई है 21 लेयर की, इसको देखने के बाद ही साइकोलॉजिकल उनके ऊपर ये प्रेशर हो कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर वो आगे आएंगे तो ना सिर्फ वो घायल होंगे बल्कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी। जिस तरीके के साफ तौर पे कोई परमिशन नहीं दी गई है, उन्हें बॉर्डर के उस तरफ ही रोक दिया गया है। ये टॉप एंगल से आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो लगातार पुलिस की इस बैरिकेटिंग को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें मौका भी मिलेगा तो वो कैसे जाएंगे। और इसके साथ ही एक खास तरीके की प्लानिंग जो है वो पुलिस ने की है कि अगर खुदा ना खास्ता वो यहाँ से होके निकल आते हैं, 3-4 लेयर को तोड़ देते हैं, तो उसके बाद बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए कंटेनर या वो ऐसी जगह है जो अभी खुली हुई है उसे ब्लॉक किया जा सके। यानी जो किसान अगर अंदर आ भी गए, जो कुछ पूरे देश ने देखा, जो हिंसा हुई उससे सबक लेते हुए ये अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो विपक्षी दल है वो भी चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं और ट्वीट्स भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने ट्वीटिंग भी करनी शुरू कर दी है कि डर की दीवार आखिरकार क्यों खड़ी की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.